काफी बड़े स्पेस में इस मेला को लगाया जाता है। काफी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, लकड़ी के सारे सामान यहाँ पर रखे हुए, पहले से भी अच्छा, अगले बार भी देखे थे उससे भी अच्छा है। बच्चों के लिए खास स्पेशल सा प्ले जोन भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर हो रहा है धाकड़ वाला परफॉर्मेंस। बिहार का कल्चर को लेकर के मेला जो लगता है, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को आपको मिल जाती हैं। इस बार जो मेला लगा हुआ है बहुत काफी अलग तरह का है। कोई टिकट प्राइस नहीं है इस पूरे एरिया में, जो कि सरस रसोई का, यहाँ पर आपको खाने की चीजें मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सरस मेला 2022। इस बार का सरस मेला काफी खास है। इसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था कि आखिर कब वो समय आएगा जब पटना है गांधी मैदान में सरस मेला लगेगा। थोड़ी सी सब्सक्राइबर मिली आपको वीडियो में देखा, मेरा वीडियो क्या बात है यार, बहुत अच्छा, माई प्लेजर। चलिए फिर यहाँ से अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कैसा है। अभी अपने स्टॉल पे ही रहेंगे। काफी बड़े स्पेस में इस मेला को लगाया जाता है और यहाँ से आप जहाँ भी देखेंगे ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अलग अलग विभागों के स्टॉल ही दिखाई देंगे। हमारे साथ पुरुषोत्तम भी अभी है, बोल रहे थे कि ब्लॉग में नहीं आएंगे, लेकिन हम ले आए। बिहार सरस मेला साल में दो बार लगाया जाता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मेला है साल का। हाँ। जो गांधी मैदान पटना में आयोजित। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी जो है ये ज्ञान भवन सामने जो देख रहे हैं। हाँ। इसके अंदर होता है। अच्छा अच्छा। इसमें बिहार सरकार के विभिन्न विभाग के स्टॉल भी है। हाँ। और पूरे देश से जो स्वरोजगारी है, स्व सहायता समूह से जुड़े हुए जो महिला उद्यमी है, उनका स्टॉल आप देखेंगे। मतलब पूरे देश भर के स्टॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा लग रहा है, अभी तो घूमना बाकी है, अभी और भी एक्सप्लोर करना है। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि जब भी घूमना होता है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा नया जगह होता है, जब भी मुझे कहीं घूमना होता है तो मैं इनका वीडियो देखती हूँ। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू। तो अभी यहाँ से अंदर चल रहा है, ये था गेट जिससे हम लोगों की एंट्री हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर समय आपको बता दूँ तो आप सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक इस मेले को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आज फर्स्ट डे है तो आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कल्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैम का एक स्टॉल दिखा मुझे, मैम पिछले 8 सालों से लगा रही है ना। मैम 8 साल हो गए आपको, वेस्ट बंगाल से आती हैं आप लोग? वेस्ट बंगाल से आती है हर साल पटना सरस मेले में। और ये खुद से हाथ से बनाया हुआ है क्या सारा? लुक एट दिस, ये लिटिल बुद्धा जो हमारे हाथ में है, ये काफी खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। और ये पूरा का पूरा हैंडमेड है। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो जूट का बना हुआ है, बाकी ये पूरा टेराकोटा है क्या? ये टेराकोटा है ये। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये था टेराकोटा का यहाँ पे सारा प्रोडक्ट है। आज मेले का फर्स्ट डे है इसलिए अभी चीजों को संवारा जा रहा है, सहेजा जा रहा है, निकाल के रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन आर्ट है, लकड़ी के सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं मेले में, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप के जो चेयर है ना, ये बैम्बू के चेयर होते हैं और काफ़ी खूबसूरत देखने में लगते हैं यार ये। तो ये भी आकर के आप चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे रिलैक्सेशन वाले चेयर भी हैं और नॉर्मल वाले चेयर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस मिल जाते हैं। ये सारे बॉक्स हैं, फ्लावर बॉक्स है, इसमें आप फ्लावर रख सकते हैं, गमले रख सकते हैं, इसके ऊपर इस स्टैंड के ऊपर भी आप फ्लावर पॉट रख सकते हैं। शोपीस है जिसको आप घरों में लगा सकते हैं, साइड में भी बॉक्स है। और यहाँ पे जो कालीन है वो रखे गए हैं डिफरेंट टाइप के। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। एक्चुअल में ये एक दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे महाबोधि में गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। सूरत से यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा है और सारे लोग यहाँ पर तस्वीरें खिंचाने में लगे हुए हैं, कुछ यादें समेट कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। भैया कैसा लग रहा है इस बार का सरस मेला? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। पहले से भी अच्छा, अगले बार भी देखे थे उससे भी अच्छा है। अच्छा, उससे भी अच्छा लग रहा है, तो मतलब ये कह रहे हैं लोग कि पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा है। मैम कैसा लग रहा है इस बार का मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मेला इस बार का? अच्छा लग रहा है। मेला तो मनोरंजन के लिए होता है। अच्छा, आप लोगों को पता कैसे चला कि आज फर्स्ट डे है? बस ऐसे ही आए तो पता चला कि लगा हुआ है मेला, तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। हाँ, तो देखिए यूट्यूब पे आप। ओके, थैंक यू। तो ये अभी चल रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो जब भी आप सरस मेला आते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मेला का मजा नहीं मिलता, ये जो आवाज पीछे सुनाई दे रही है ना, एक्चुअल में बिहार का कल्चर है जो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। मेला जो होता है ना, एक्चुअली बच्चों के लिए ही होता है। कैसा लग रहा है अभी मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। सरस मेला पहले आ चुकी है या फिर पहली बार आ रही है? पहली बार आ रही है। तो आप लोग का ब्लॉग देख के जाते कि
अच्छा है जो देखे पर ब्लॉग। अरे मैं माई प्लेजर माई प्लेजर। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए जो कि आपको देखने को मिल जाती है। बच्चों के लिए खास स्पेशल सा प्ले जोन भी यहाँ पर बनाया गया है जो कि मैं अभी चल के आपको दिखाता हूँ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। घड़ी में हो रहे हैं 6:30 और हम लोग को यहाँ पर 8 बजे तक ही घूमने का टाइम मिलेगा, तो हम लोग जल्द से जल्द पूरा कवर करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तरस मिला कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो अभी एक यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है उसको देखने के लिए हम पहुँचे हैं, और देख सकते हैं आप लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अभी। यहाँ पर लगी है पूरी भीड़ और यहाँ पर हो रहा है धाकड़ वाला परफॉर्मेंस। कैसा लग रहा मेला? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिहार सरस मेला ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से लग रहा है ये मेला। बिहार का कल्चर को लेकर के ये मेला जो लगता है बिहार की संस्कृति को दर्शाता है, बहुत ही अच्छा मेला है। यहाँ सामने देख सकते हैं आप सरस रसोई है, उसके अंदर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े पंडाल लगाए गए। इन सारे पंडालों में ही आर्ट एंड कल्चर पूरा का पूरा एकदम भरा हुआ है। यहाँ हैंडमेड चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, टोकरी है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे, फ्रूट बकेट वगैरह भी देखने को मिल रहा है। मैम आप लोग कहाँ से हो? हम मणिपुर से आए हैं। ओके, आपके पास क्या क्या है? मेरा सामान यही है, वाटर प्लांट से बना हुआ बकेट है, फुल डाने वाला, फ्रूट डाने वाला, अलग अलग सा डिजाइन और लेडीज बैग्स है। तलवार है क्या ये? देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं तो ऐसी भीड़ लगती है। तो अभी यहाँ से और भी आगे बढ़ेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अभी सारे स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग्स, मैम आपके पास कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं अभी? मेरे पास मधुबनी की सारी पेंटिंग है, जो भी होती है मैथिली पेंटिंग होती है जिसमें भगवान का बनाया बिल्कुल बिल्कुल वो सारी चीज़ें, जैसे कि ये वाली ये वाला का अगर मैं लेना चाहूँ तो इसका प्राइस कितना आएगा? ये 500 का। 500 रुपीज़ का आता है। ये पूरा हैंडमेड ही होता है नहीं? हाँ सर, ये पूरा हैंडमेड है, हाथ से बनाया है, उसको फ्रेमिंग करवाया गया। ओके ओके ओके। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को आपको मिल जाती हैं। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं इनका सारा व्लॉग्स देखती हूँ। स्टॉल नंबर 178 है, आप जब भी यहाँ पर आए तो विजिट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लगेजेस वगैरह मिल जाते हैं और इस काउंटर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पूरे एरिया में जो कि सरस रसोई का, यहाँ पर आपको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो घूमने के लिए और आपको अगर भूख लग जाए तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा। कितना बड़ा एरिया में इस फूड कोर्ट को लगाया गया है, सरस रसोई को यहाँ पर लगाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार जो मेला लगा हुआ है बहुत काफ़ी अलग तरह का है। गांधी मैदान में लगा है सरस मेला, इसके पहले ज्ञान भवन में लग रहा है। हाँ, अब यहाँ पे लगा है और देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग तरह। चलिए शुक्रिया भाई, थैंक यू। सिलाव का खाया तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग साइज में भी थोड़ा सा डिफरेंट है ये। जी, ये लंबा हो रहा है जी, है ना? ये लंबा है और ये मशहूर खाजा सुपौल जिला का, सुपौल जिला पिपरा का। जी, दिखाई दे रहा है तो खाजा आपने, तो आप खाजा का साइज देख सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ये टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है सॉल्टी होता है? साइड में राजस्थान है, साउथ इंडिया है, हर एक स्टेट के अलग अलग डिशेज यहाँ पर मौजूद हैं जो लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्टॉल था यहाँ पर, जब हम लोग सरस रसोई में पहुँचे तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। ये एक्चुअल में खोआ वाली लाई है, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट तरीके से बनाया गया। भैया ये कहाँ की है? ये बढ़िया खुठाडी की। अच्छा बढ़िया, काफ़ी अच्छा टेस्ट है यार, एक बार आइए आप ज़रूर यहाँ पे इस स्टॉल पर लाइए। कितना नंबर स्टॉल है आपका? 42 नंबर स्टॉल है, एक बार यहाँ पे जरूर आइए। सारी चीजें हैंडमेड बनाई हुई है, सिलाई करके बनाया हुआ है। दीदी आप लोगों ने खुद बनाया है? हम लोग खुद बनाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हर डिजाइन हर मतलब थी, अब हम अपने से हम लोग बनाए हैं और हम लोग को अच्छा भी लगा, घर से भी अच्छा लगा, घर से ऑर्डर भी मिलता है कि जाइए आप लोग काम करिए। तो कुछ आमदनी अब होता है? होता है सर। पहले कैसा था? पहले तो कुछ नहीं था। कला जो थी वो घरों तक सिमट के रह चुकी थी, उन लोगों को बाहर निकाल करके एक प्लेटफॉर्म दिया गया। क्या क्या आप लोग रखी है? 400 का घर का तेल, पीला वाला, कला वाला। अच्छा अच्छा, ये पूरा ऑर्गेनिक है एकदम? हाँ। ये स्टॉल नंबर 7 है और यहाँ पर भी आपको प्योर ऑर्गेनिक चीजें मिल जा रही हैं। ये जो सरसों का ऑयल है, ये ऑयल मार्केट में आपको अलग अलग तरीके का मिल सकता है, केमिकल वाले भी मिलते हैं, लेकिन ये चची ने खुद पिरवाया है जाकर के मशीन में, पिरवा कर पैक करके हम लोग बेचते हैं। का ये जो ब्रांड है ये मात्र
मात्र पुराना है आपको 6 महीने, तो 6 महीने के अंदर इसी तेल से बना हुआ है, अच्छा पैकेजिंग ये सब कुछ हुआ है। ये गांव कोइलूर की गरीब दीदी लोग का बना है। ओल का अचार है और ये लहसुन का अचार, ये हम लोगों ने लिया है अपने घर के यूज़ के लिए। सामान को ले जाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने ये हैंडमेड वाला झोला भी लिया है जो दीदी लोग के दिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो गाइज, अभी जो सरस मेला का ये वीडियो है उसको यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि टाइम अभी हो चुका है 7 और थोड़े देर के बाद ये मेला हो जाएगा ख़त्म। कोई टिकट प्राइस नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा आपके लिए। तो आई लव सरस यहाँ लिखा और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपका भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।